बुआ जी के रेसिपी दिखाते हैं। बल्कि मेरे वहाँ उसमें रखी है गैस, पानी पत्र रखी है। इतनी बन गई है, बुआ जी के दिखाते हैं। तो गाइस अभी बना रहे हैं बुआ जी क्या दाल, दाल और आप इडली। इटली कोई गए है कोई? इटली। अच्छा इटली कोई गए? इटली से याद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हैं इटली कौन कौन गए। बुआ जी आप गए हो इटली? ना मैं इटली नहीं गई, बाकी इडली बना लेते। इडली जरूर खाई है, मैं इटली नहीं गई कभी। आप? नो। आपका तो पता ही है। ठीक है फिर, आपका तो पता ही है, उनका तो इनका तो पता ही है कहाँ गए। अभी बताते हैं, पहले बताते हैं उसका लिक्विड बनाना होता है। लिक्विड बना के लिक्विड तो बना जाते होगा, घूम ले फिर ये उसका है। इसके अंदर डालना है हल्दी, डालो नमक तो डाल देता, थोड़ा सा डाल देता है, तो मैं डाल दूंगा। लाल मिर्च डालते हो? अगर हरी मिर्च डाली फिर तो रहने दे कलर वाले। अरे ना उड़ान ना तो यहाँ पर बनाई जा रही है इडली, और यहाँ पर बनाया जा रहा है सांभर, और इवनिंग में हम बनाएंगे केक। हाँ और इवनिंग में बनाएंगे हम केक, हम उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। हम जरूर बताएंगे कि ओरियो केक कैसे बनता है, तो आप लोग बने रहो हमारे साथ। फिलहाल एंजॉय कीजिए इडली और सांभर की रेसिपी, खाकर भी बताएंगे हम कैसा बनेगा। सबसे पहले इडली, सबसे पहले ये बॉक्स, बॉक्स आपको खरीदना पड़ेगा, ये बॉक्स। फिर आपको इसमें वो भी आती है, तो क्या कहते हैं उसको, मैदा कहते हैं ना, वैसा पाउडर सा आएगा, उसको आपको लिक्विड बना देना है ना। हल्दी का है उसका, आपको लिक्विड बना देना है। लिक्विड बना के उसको ऐसे डाल देना है, गरम गरम, मतलब कि गरम पे खड़े होके, वहां पे खड़े होके बनाओ ना, मतलब गल के करना है, गरम करना है, मतलब कि गैस पे थोड़ी देर, फिर ये ऐसे डाल देना है। आपको इडली बनाने के लिए ये जरूर चाहिए, नहीं हम सूजी से ही बना सकते हैं। सूजी को थोड़ी देर पहले पानी में, उसमें थोड़ी दही डाल दो, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के, थोड़ा नमक डाल के उसका बैटर तैयार करो। सूजी को थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखो। रेस्ट पे रखने के बाद जब सूजी फूल दे तो उसको इडली मेकर में डाल दो, चावल के वैसे कुछ बोल रहा था। अब करते रहो, अब इसको ऐसे बंद कर दो, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बनाओ, ज्यादा बड़ा मत बनाओ। कितना बना, देखिए 3 मिनट का बना दिया। 3 मिनट का क्या होगा फिर, इतना क्या है, एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा टाइम लगता है। अब तो जैसे दाल वाल भी बनाते हैं, दाल लेके पानी डाल दो तैयार। हाँ सब रेडीमेड आने लग गया आपको, हर चीज रेडीमेड। क्या कर लो ठीक है, उसके लिए गर्म पानी है क्या? अब बुआ जी की रेसिपी, 3 चूल्हे वाली, 3 चूल्हे वाली। सबसे पहले आपको मतलब बताओ ना कैसे कैसे करना है, बोल जी बताओ सबसे पहले क्या करना है, वो करना बताओ क्या करना है। अभी बना रहे हैं, तड़का चल रहा है। किसकी उसकी है चीज की, स्टील है लोहे? सबसे पहले करना क्या है वो बताओ। सबसे पहले दाल को उबालना है, फिर तड़का तैयार करना है। तड़के को अच्छे से, जब तक उसमें कलर नहीं आ जाता, तड़का दिखाओ। ये लो ये तड़का है, देख सकते हैं अच्छा कलर इसके अंदर आ चुका है, दिख ही रहा होगा आपको। तो अभी थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। जब ये तेल छोड़ देगा तो हम इसको दाल में कन्वर्ट कर देंगे।
और फिर मिर्ची वे काट लिया और टमाटर है ना एडेड। भाभी मिर्ची कितनी करूं, कच्ची है वैसे तो, ये देखो बहुत ज्यादा सी भी मत कर। लाल मिर्च और हरी मिर्च, पता लाल मिर्च और हरी मिर्च कौन खाता है, पता कौन लाल मिर्च खाता है कौन हरी मिर्च खाता है? लाल मिर्च खाने वाले लिख दो लाल, हरी मिर्च खाने वाले लिख दो ग्रीन। लाल मिर्च खाने वाले लिख दो लाल, रेड ग्रीन। हरी मिर्च खाने वाले लिख दो ग्रीन। ये देखो इसका कॉम्बिनेशन, हाँ ये भी नहीं बस बोले तो अब आप तो खाएंगे। बर्तन कैसे धोते हैं? मन मेरा भी कर रहा था ना, अरे इसको क्या कहते हैं ये जो है, ये है ड्राई फ्रूट कटर, देखिए अरे ये बहुत यूजफुल है, ये है नट्स। तो हमने ये ड्राई फ्रूट कटर लिया है जिसमें देख सकते हो आप ड्राई फ्रूट कितने ब्रिक ब्रिक हो गए हैं, बहुत अच्छे से इसका मतलब वर्क करता है ये, तो आप भी ले सकते हो मंगवा सकते हो। ये हमने मतलब मीशो से मंगवाया है हमने, ये काफी अच्छा है, यूजफुल है, कितने का यूज करना भी आसान है। हाँ यूज करना भी आसान है, ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है, सफाई करनी भी आसान है। तो ये ऐसे है, इसमें आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है, ये है स्लिकर, स्लिक करने वाले हैं। तो काफी अच्छा प्राइस है, तो 199 प्राइस है, बट ये हमें समथिंग 105 या 107 ऐसे कुछ हमें मीशो पे पड़ा है। तो हमारा तड़का हो चुका है रेडी, देख सकते हो कितना अच्छा कलर तड़के में आया हुआ है। वाओ, थोड़ा सा मिर्च हमने थोड़ा लेट डाल लिया, तो हम थोड़ा मिर्चों को भी अच्छे से इसमें पका लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर दाल है, पहली बार कुछ खाने के लिए बनाया। क्या कहा दोबारा बोलो, बुआ जी ने पहली बार कुछ खाने के लिए बनाया हमारे लिए, हमारे लिए। आपको मेरी शक्ल देख के लगता है मैं कुछ काम भी करती होंगी, मैं कुछ काम नहीं करती, सिर्फ खाती खाती हूँ मैं, ऑर्डर देती हूँ खाती हूँ। आज बस थोड़ी हाँ, यहाँ से मैं जब जाती हूँ ना मेरा 1-2 किलो वेट जरूर बढ़ जाता है सच्ची में। हाँ ये ब्रेन शेप में होती है, बटरफ्लाई शेप में थोड़ी होता है, बटरफ्लाई टाइप तो होते हैं ना। हाँ वो हाँ ये ठीक कह रही है, वो बटरफ्लाई टाइप भी होता है और ब्रेन शेप भी होती है उसके अंदर, दोनों होता है। वो ब्रेन का हाँ होता है, लेकिन ब्रेन अजीब लगता है ना। अजीब लगता है, सॉरी मैंने आपके बारे में ये बोला। देखो कितना समझ आ रहा है, अरे देख मतलब व्लॉग को मैं जैसे ही एंड करूंगा फिर देखना, सॉरी सारी सब भूल जाएगा, ये सिर्फ व्लॉग में बोल रहा है सॉरी। इसका नाम बताओ क्या है? ये दाल है, मूंग की दाल। मूंग की दाल, हाँ हमने सांबर में बनाया ना, मूंग की दाल लेंगे उसके साथ हम इडली खाएंगे। सांबर का है ये सांबर है हमारा देसी सांबर। ये इसको कैसे करना है ऐसे, इसको और मतलब करना है कि अभी तो कड़ी बन जाएगी ना, ना ऐसे डाल दो क्या कड़ी बन जाएगी कड़ी, हजे पीछे हो जाओ, इसका हैंडल टूटा हुआ है, इसको भी डाल दे कुकर के, कुकर से दाल इसमें डाल दे। मैं वो आदत है ना ऐसे ऐसे डायरेक्ट डालने की, फिर इसमें पानी डाल दूंगी ना। हाँ इसमें डाल दे, मतलब आपने बनाया हुआ है पहले भी, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे तभी मैं कहती हूँ रसोई में दूर रहते हैं। थोड़ा दूर कर देता हूँ, 1.4 एक्स पे ये तो कड़ी बन गई। कैसी लगी मटेरियल भी देखिए, ये तो तेरे पास है ही, एक तो यूज करके भी देखिए और मटेरियल भी देखिए।
थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा डाल दो। कैसी लगी, कैसी लगी रेसिपी? ये तो फुल फुल लगा खा लिया। कैसी आवाज है? और डालने तो नाड़ी होएगी खटका लगने के बाद। तो ये कैसी आवाज आई थी? पतली भी ज्यादा अच्छी लगती। मूंग दाल, मूंग दाल रेडी है यहाँ पे। वो लगे ना खटका लगे तो भी हो जाएगी। धनिया भी डालना है क्या? हां, ये देखिए आग कैसी जल रही है। क्या 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 लग रही है? ऐसे था वो। अब यहाँ पे हो रहे अतुलाई। अब चलते हैं इस साइड। और ये क्या? इडली बैटर। तो इसके लिए आपको इडली के बैटर चाहिए होगी। नहीं, हम और इडली को लिक्विड में कैसे बनाते हैं? पानी डाल के, पानी में थोड़ा सा रिफाइंड हो गया, पानी डाल के, पानी डाल के फिर उसको पका के सरसों का तेल कच्ची कच्ची समय लाते हैं बिना पके हुए डाल के। बस कर अब। गाइस देखिए दाल बन चुकी है और ये कैसे आपको बस नहीं दे रही होगी, और अब जो सुनाई दे रही है तो आप सब सुनाई दी। और दाल यहाँ पे बन चुकी है और इसका हैंडल दाल बंद कर दूँ क्या? वैसे गाड़ी सी हो गया अच्छे से। अरे तो ये हैंडल टूटा हो गया। अब कुछ मेरे आंसू। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। गाइस गाइस आज मेरे को किड्स पे इतना ज्यादा गुस्सा आया। मैं अभी खाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा है ना इसपे, और इनको इस पे इतना ज्यादा गुस्सा है ना। वो क्या आ रहा है देख लो। जी आप तो से, अरे यार थोड़ा दूर कैमरा मैन और चाहिए। तो मैं इधर कर रहा हूँ, इधर उधर इधर। और इस ये टायर तो टूट ही गया, और ये इसमें बाल फंसते हैं, और ये घूम करके करना पड़ेगा। कितना जूम है इसको, ये ऐसे अंदर होते ये बाहर निकला हुआ। ये बात चीज ये तो तब भी ठीक है लाइट वाला, कैसे इतने ज़्यादा बाल है। इसके तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, ये इसके काफ़ी पसंदीदा है। एक चीज़ पर गुस्सा आया, इसके टायर जो कि रुक रुक के चलते हैं, उसके ब्रेक देखते कैसे उसे कावड़ है। उन चीज़ों पर मेरे को गुस्सा आया। मैं इनको रख देता हूँ, आज आज ऐसे लग रहा है एक हाथ से पूरा दिन सारा काम करना है। तो ब्लॉग कर रहे होगे तो
बस इडली बन चुकी है। पीछे इधर कितनी ताक से लग रही है। उतरियो इस वाल में काफी ज्यादा बैक्टीरिया है। क्या इस वाल में काफी ज्यादा बैक्टीरिया है? किसमें? कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो फिलहाल का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।